बच्चों इस मीटिंग में एक बहुत गहरी बात लेके जा रहा हूं, तो एक पिता अपने पुत्र से कहता हूं, आपको कह रहा हूं, जिंदगी में सुनने के बोर्ड वाले, जिंदगी में कभी भी उस लड़के लड़की दोस्ती मत करना जिसके बाप की इनकम तेरे बाप की इनकम से ज्यादा हो। बहुत गहरी बात कर रहा हूं, जिसके जिसके फादर की कमाई तेरे फादर की कमाई से ज्यादा है वो तेरा कभी दोस्त नहीं हो सकता। कसर सुदामा के जमाने गए भैया, वो केवल आपको यूज कर सकता है कि मैं रईस हूं, ये गरीब घर का छोरा है, मुझे कभी चाय पिलाएगा कभी पानी पिलाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे चाचा का लड़का था एक, है मतलब उसका दोस्त था उस समय एक लड़का जिसके खुद के उस समय था पेट्रोल पंप 98 की बात कर रहा हूं मैं, दोनों दोस्त थे, दोनों दसवीं फेल हो गए। मेरे चाचा थोड़ा फेल हो गया, वो थोड़ा फेल हो गया। मेरा चाचा थोड़ा गांव में ताश खेलता है, क्या करे, वो तो उस समय भी करोड़पति था, आज वो खरबपति है, उसको अपना धंधा संभालना था, उसको पढ़ाई से बताई नहीं हुई। और ये बात मैं नहीं कहता, विवेकानंद जी की दो लाइनें बहुत प्यारी है। एक लाइन जग जाहिर है कि जब उठो तभी सवेरा समझो, और एक लाइन और भी है विवेकानंद जी की कि जो दोस्ती बराबरी की नहीं होती है वो हमेशा घृणा के साथ समाप्त होती है। और आपके पल्ले नहीं पड़ता है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम जो रिश्ता करते हैं बेटे बेटी का, तो हमारी पहली शर्त होती है कि भैया रिश्ता बराबरी में करना ताकि रिश्ता बना रहे। क्या सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, दोस्ती भी अलग होती है। चली नहीं बात करो, आके बात वो करो जिससे दुनिया चलती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये फिल्म की शूटिंग नहीं है कि सीन खराब हो गया तो रिटेक हो जाएगा, या एक बार जो टेक हो गया वो रिटेक नहीं होता है। वापस पॉइंट पे आते हैं, तो आपका अच्छा बीज है, अच्छी जमीन है, अच्छा खाद पानी है, लेकिन दोस्तों खेत के बाड़ भी होनी चाहिए और एक मजबूत चौकीदार होना चाहिए खेत का। मैं सीएलसी का परफेक्ट चौकीदार हूं, ये मेरे सामने बैठे गार्जियन है। आप सोते हो 11 बजे 10 बजे, ये श्रवण आपके बच्चों के लिए रात को 1 बजे सोता है डेली दोस्तों, बच्चों के स्वागत सुबह में रोको, तब जाके इस कोटा की इतनी बड़ी दुनिया के सामने एक सीएलसी खड़ी कर दी हम लोगों ने। अच्छा बीज, अच्छी जमीन, अच्छा खाद पानी, अच्छा चौकीदार, उसके बाद भी लोचा भाई मेरे, कई बार फसल तैयार हो गई, 2 दिन बाद सेव पकी काटने वाले हैं, पता लगा अंदर आया बिजली गिरी, सारे कच्चे सेव गिर जाते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान का साथ, खुदा का साथ तो बहुत जरूरी है। बच्चे से लेके ईश्वर तक आपके साथ है, तब जाके दोस्तों हमारे घर में कहीं सेव की फसल होगी। यानी हमारा एक सामान्य सा बच्चा IIT में जाएगा या मेडिकल में जाएगा या CA बनेगा या IAS बनेगा, सेम प्रक्रिया है।